अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे पास माशाल्लाह से दो बफ की मुर्गियाँ हैं, लेकिन इनके लिए मुर्गा नहीं था हमारे पास। तो मैंने बात करी अपने हमारे जानने वाले हैं उनसे, तो उनसे मैंने बात करी है। वो अभी उनके पास मुर्गा था और उनके पास एक मुर्गी भी थी, तो मैंने उनसे मंगवा लिया। कुछ ही देर में वो आने वाले हैं, मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो आते हैं तो फिर इन मुर्गियों के साथ उस मुर्गे को छोड़ेंगे और फिर इनका रिएक्शन चेक करेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरी देखते रहेगा, वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कर लेगा इस चैनल को। तो अभी मैं इंतज़ार करता हूँ, जितनी देर वो आ नहीं रहे इतने मैं थोड़ा दाना पानी वगैरह कर लेता हूँ बकरे वगैरह को, तो घास डाल लिया, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों फाइनली हमारा नया मुर्गा और ये मुर्गी आ गई, माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है। और हमारी मुर्गियों के साथ मैंने छोड़ दिया है इन्हें, अभी इनका रिएक्शन चेक करते हैं। मैं इसको उनके पास लेके चलता हूँ, तो देखते हैं क्या करता है। मुर्गियों के पीछे लगता है या मुर्गियों को डराता है। अभी तो ये मेरे पीछे मेरे ऊपर ही आ रहा है और हमारी मुर्गी आ गई है। लेकिन मुर्गा ज़्यादा उसके पास जा नहीं रहा, मैं भी देख लेते हैं। दोस्तों फाइनली जिस काम के लिए हम लाए थे माशाल्लाह से सेट रहा हमारा मुर्गा, भी परेशानी नहीं करी इसने। दो तीन दिन रहेगा ये मुर्गा तो इंशाल्लाह बाकी मुर्गियों के साथ भी सेट हो जाएगा, तो ये अच्छा रहेगा। बाकी वो देखें हमारी ब्लैक वाली नई वाली मुर्गी को मारने जा रही है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, सेट हो जाएंगे सब आपस में। बस ये हमारे जो छोटे चूज़े हैं इनके लिए थोड़ा मसला होगा, इनको मैं अलग बन रखूँगा, बाकी ये सब साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। बाकी ये है, आप लोगों ने भी दुआ करनी है ये जल्द से जल्द ये सही से पेड़ लग जाए और फिर ये अंडे दें, तो फिर हम इंशाल्लाह इनके बच्चे निकलवाएंगे, फिर हमारे सेटअप पे नए फैंसी चूज़े आएंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा, फिर हम इन्हें बाहर ही खोल देंगे। तो बाकी ये है कि अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सूरज नीचे चला गया, तो मैं इनको बंद करने की करता हूँ। बंद करने के बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो फाइनली अभी सुबह हो गई है, रात को मैं मुर्गियों को बंद कर रहा था, बंद करते करते इतना अंधेरा हो गया था, वो मुर्गा नया आया था ना वो उड़ रहा था, तो फिर मैंने व्लॉग वहीं पर एंड कर दिया था। अब मैं आज अगले दिन सुबह से स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज ना हमारा जो बकरी का बच्चा है ना उसका हमारे सेटअप पर आखिरी दिन है, तो अभी चलते हैं बकरी के बच्चे के पास, उसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं क्योंकि आज इसका आखिरी दिन है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट वाले क्लिप में आप लोगों को बताया था कि हमारा बकरी का बच्चा हमारे सेटअप से जा रहा है, तो यार वो चला गया। और ये है कि अब हमारा बड़ा वाला बकरा अकेला रह गया है हमारे सेटअप पे, और काफ़ी दुख भी हो रहा है उसके जाने से, क्योंकि बेचारा उसको बचपन से पाला था हमने और अब वो चला गया बेचारा। तकरीबन हमारे पास 5 से 6 महीने रहा है वो, और माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा बकरी का बच्चा था। आप लोगों को बताइए, आप लोग बताइएगा कमेंट करके आप लोगों को कितना पसंद था वो, और अब नया उसकी जगह लाना चाहिए या नहीं, या फिर हमें ये बकरे को अकेले ही रखना चाहिए, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। बाकी मुझे तो काफ़ी अफसोस हुआ उसके जाने से, आप लोगों को अफसोस हुआ या आप लोगों को अच्छा लगा हो चला गया मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट करके। बाकी अभी मैं अपने सारे बर्ड्स का आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ।
Thank you.